हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम एसएससी सीएचएसएल के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ हम डिस्कस करने लगे हैं और ये एक सीरीज़ है जिसमें हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर मतलब लेटेस्ट लगा लो 2019, 20, 21, 22, 23 तक के ये सारे सीएचएसएल के क्वेश्चन हैं, दूसरे सीजीएल या किसी दूसरे नहीं है, CHSL के क्वेश्चन है। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, हम ये कुछ क्वेश्चन हर रोज़ अब डिस्कस करने वाले हैं, आप इस सीरीज़ में बने रहें। दूसरा, इस PDF को PDF के लिए अगर आप ये चाहते हो कि आपको PDF मिले तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में WhatsApp लिंक लगा हुआ है, वहाँ पे आप हाई GP सर ये टाइप कर दें, आपको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। और दूसरा ये कि हमारा जो YouTube चैनल है वहाँ पे हर रोज़ जनरल नॉलेज के 5 से 10 क्वेश्चन जो हैं अपलोड होते हैं, आप प्लीज़ उसको विज़िट करें, क्वेश्चन करें, वो डायरेक्टली इन SSC CHSL या CGL इन एग्ज़ाम से के क्वेश्चन है, तो उससे भी आपकी एक प्रैक्टिस रहेगी। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने ये इकोनॉमिक्स और भी सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, और भी दूसरे भी सब्जेक्ट्स हैं जनरल स्टडीज़ में, इकोनॉमिक्स क्यों लिया है CHSL के केस में, CGL के केस में नहीं, CHSL के केस में, जहाँ स्टूडेंट ये फील करता है कि इसमें से वेटेज कितनी है, 3, 4, कभी कई बार तो 2 क्वेश्चन ही आते हैं, 3, 4 इतने क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में से आते हैं, तो पर इनमें डिफ़िकल्टी लेवल बच्चे को ज़्यादा लगता है क्योंकि 10th तक हमने इतनी कभी भी डिटेल में स्टडी नहीं की है, तो इस पॉइंट से हमें थोड़ा सा इसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाए हैं हमने, और दूसरा अब जैसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हैं, क्या ये क्वेश्चन दोबारा से आते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है कि ये क्वेश्चन दोबारा से आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो दोबारा रिपीट करते हैं, उनको अलग अलग फॉर्म में आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का मतलब भी है कि कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करें, कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आपको डायरेक्टली जो आपका जो CHSL का पेपर होने वाला है वहाँ पे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करें। तो इसलिए आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन 2019 का है और ये CHSL में आया हुआ है, तो देखें क्या कहता है। कहता है कि ए मार्केट स्ट्रक्चर, तो मार्केट स्ट्रक्चर से तो हमें पता ही है, कोई मार्केट कोई कह लो कि दैट इज फुल मार्केट स्ट्रक्चर विच इज़ डोमिनेटेड बाय ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स, कि इसको ऐसे समझो कि एक मार्केट है जिसमें 5 या 6 फर्म्स हैं, वो ही हैं, बाकी और कोई है ही नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्या कहा जा सकता है? तो इसको तो ओलिगोपोली कहते हैं। बट अब समझे, जिन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है मोनोपोली क्या है, ओलिगोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन टेढ़ा सा हो गया। पर अब अगर ये आंसर है ओलिगोपोली, तो इसका चांसेस ये है कि नेक्स्ट टाइम कभी ये परफेक्ट कंपटीशन पे भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, मोनोपोली पे भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। दैट मीन्स एक कॉन्सेप्ट आ गया है, 3 कॉन्सेप्ट ऐसे और पड़े हैं बुक में जिस पे क्वेश्चन बना जा सकता है। अब ये समझे, फर्स्ट मार्केट कंपटीशन क्या है, परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं हम। तो ए मार्केट स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ राइवलरी अमंग द इंडिविजुअल फर्म्स, प्रोडक्ट्स बीइंग होमोजीनियस। अगर कंप्लीट एब्सेंस ऑफ राइवलरी कि मार्केट में इतनी कंपनीज हैं, इतनी कि एक दूसरे से राइवलरी की कोई बात नहीं है, कंपटीशन ही जो है, कंपनीज ही बहुत ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट लगभग उन सब का सेम है, और जो चॉइस है मतलब जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स के पास चॉइस बहुत ज़्यादा है, किसी एक कंपनी ने थोड़ा सा रेट बढ़ाया, सेम उसको दूसरी कंपनी में चला जाएगा कस्टमर, तो उसको हम कहते हैं कि ये परफेक्ट कंपटीशन है।
कोई एक दूसरे पे दबदबा नहीं है, कोई एक कंपनी पूरा होल्ड करके नहीं बैठी है, सारी कंपनीज इक्वल कर दी जाए तो उसको आप परफेक्ट कंपटीशन कहोगे। दूसरा है मोनोपली। मोनोपली जो है ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर करेक्टराइज्ड बाय सिंगल सेलर। सिंगल सेलर का मतलब कि एक कोई सेलर ऐसा है, कोई फर्म ऐसी है जिसने अपना पूरा होल्ड कर लिया है और वो अब उसी उसी का दबदबा चल रहा है, दूसरा कोई बेचने वाला वहाँ पे है ही नहीं। तो उस केस में हम मोनोपली कहते हैं, यूनिक प्रोडक्ट है। जैसे इसको आप एग्जांपल लोगे कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने को गवर्नमेंट ऑफ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मोनोपली करके भेजा कि भारत में और कोई भी ब्रिटेन कंपनी यहाँ पे नहीं आएगी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी अपना काम करेगी, बिजनेस करेगी, तो ये मोनोपली होगी, दूसरी कोई कंपटीशन में ही है ही नहीं। दूसरी कंपनीज आई वो दूसरे कंट्री से, कोई स्पेन से आई, कोई फ्रांस से आई, वो अलग थी, बट ये ब्रिटेन ने एक मोनोपली बना के भेजी। तो एक ही कंपनी का दबदबा होना उसको मोनोपली कह देते हैं। ओलिगोपोली जो है कि जिसमें इज वेन ए फ्यू कंपनीज, फ्यू थोड़ी सी मतलब 5 6 10 कंपनीज हैं, एग्जर्ट सिग्निफिकेंट रोल ओवर ए गिवन मार्केट। अब उन्होंने मार्केट के ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये टुगेदर दीज कंपनीज में कंट्रोल प्राइजेस बाय कोल्यूडिंग विद ईच अदर। वो कंपनीज एक दूसरे को कहते हैं कि हम कितनी हैं, 6 हैं 7 हैं 10 हैं, ठीक है, तो क्यों ना हम आपस में एक समझौता कर लें कि हम सारे एक ही प्राइस रखेंगे। जब एक ही प्राइस रखेंगे तो हमारे अंदर कंपटीशन खत्म हो गया, तो प्रोवाइडिंग अनकम्पिटिटिव प्राइजेज इन मार्केट। कैसे? उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया कि बजाय इसके कि हम एक कोई बढ़ा दे प्राइस, कोई कम कर दे, हम सारे इक्वल सा प्राइस रख लेते हैं, इसको कहते हैं ओलिगोपॉली। तो ये आ गया, ठीक है। और लास्ट जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एग्जिस्ट व्हेन मेनी कंपनीज ऑफर कंपिटिटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट आर सिमिलर बट नॉट एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट। मोनोपोलिस्टिक है कि कोई बहुत सारी कंपनीज जो, जिसमें बहुत सारी कंपनीज जो अपनी कंपिटिटिव प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को बेचते हैं, वो एक दूसरे से सिमिलर तो हैं पर एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो वो होगी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आप इस तरह से ले लो कि अगर हम ये कहें कि एक मार्केट में शर्ट्स बेची जा रही हैं, अब शर्ट्स तो एक जैसी ही होती हैं, सिमिलर हैं, पर वो एक शर्ट दूसरी शर्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इस तरह से जो अपने कंपिटिटिव प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन ही है उसमें चार हमारे पास चार क्या कह सकते हैं, चार टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनको हमें समझना है, कॉन्सेप्ट्स हैं, चार कॉन्सेप्ट्स। एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया और बाकी तीन को भी हमें जानना है कि उस पे भी आ सकता है। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं। कंसिडर द मार्केट फॉर न्यू टू व्हीलर्स, तो नए टू व्हीलर्स बेचने की मार्केट है। इफ़ द प्राइस ऑफ स्टील इंक्रीजेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ टू व्हीलर्स विल डैश एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल डैश। अब इसको ध्यान से समझो, ये किसी कॉन्सेप्ट पे दिया गया है। तो यहाँ पे दो वर्ड्स आए हैं, एक है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और एक है इक्विलिब्रियम प्राइस। तो मार्केट में जब कोई नया प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे जो है कि न्यू टू व्हीलर्स, नए टू व्हीलर्स बेचने की बात हो रही है, तो अगर वो कहता है कि प्राइस स्टील का प्राइस बढ़ गया, तो क्योंकि टू व्हीलर तो स्टील से ही बनता है, स्टील इसका रॉ मटेरियल है, अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम पे क्या असर होगा और इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या असर होगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या असर होगा। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है क्या है, तो ये SCHSL का क्वेश्चन आया है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, पहले तो ये देखें।
जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, मार्केट प्राइस है, मार्केट मार्केट में कितने का बिक रहा है, ठीक है, एट विच द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड इन मार्केट बाय प्रोड्यूसर। तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो प्रोड्यूसर मार्केट में सप्लाई करता है इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड इन मार्केट बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर की डिमांड है मार्केट में कि 10,000 टू व्हीलर आए और सप्लायर ने 10,000 ही सप्लाई कर दिए, उस कंडीशन में मार्केट में कितना रेट मिलेगा। अब आप कहोगे कि मान लीजिए डिमांड तो है 10,000, उसने 11,000 एक्सेस में कर दिए, तो फिर आपको प्राइस डाउन करनी पड़ेगी। अगर सप्लाई कम किए, कम हुई, तो फिर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस अपने आप हाई चली जाएगी। तो ये कंडीशन लगाई जहाँ पे सप्लाई और डिमांड इक्वल हों। अगर सप्लाई और ध्यान से फिर से सुने, अगर सप्लाई और डिमांड इक्वल हों उस वक्त मार्केट में एक गुड का कितना प्राइस मिलता है, दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, दूसरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज द क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर एंड द क्वांटिटी सप्लाइड बाय प्रोड्यूसर एट इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। तो इसमें ये क्या है कि अगर इक्विलिब्रियम प्राइस है, मान लो 80,000 रुपीस है, 80,000 रुपीस पे कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहा है और प्रोड्यूसर कितना सप्लाई कर रहा है, उनकी वैल्यूज को, उस वैल्यू को हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। अब इसको और थोड़ा सा इसको ग्राफ से समझेंगे। ये जितना भी साफ आ रहा है, जैसे इस साइड प्राइस है ये, और इस साइड क्वांटिटी है, ठीक है जी। अब प्राइस अगर आप बढ़ाओगे या प्राइस आप कम करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये डिमांड कर्व है, कि डिमांड कर्व इस तरह से ये आगे जी हमारी डिमांड कर्व है, और ये सप्लाई कर्व है। ओके, अब इसको समझो। पहले डिमांड कर्व ही देखते हैं, सिर्फ डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट समझें। डिमांड कर्व में प्राइस बहुत हाई रख दी यहाँ पे, तो लोग कहते हैं कि हमने नहीं खरीदना, कम खरीदेंगे, कम लोग खरीदेंगे। अगर आप जो है क्वांटिटी कम है, मतलब प्राइस आपने कम रखी, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, प्राइस हमने कम रखा तो डिमांड लोगों ने ज़्यादा की। प्राइस आप ज़्यादा रखोगे, यहाँ पे देखो प्राइस है ना इधर, तो मान लीजिए यहाँ पे प्राइस था कि 20,000, 20,000 प्राइस पे लोगों ने किसी को टू व्हीलर को डिमांड किया, कि उन्होंने कहा कि हमें 16,000 टू व्हीलर चाहिए मार्केट में। पर अगर यही प्राइस कर दी है रुपीज़ वन लैख कर दिया है, तो सिर्फ यहाँ पे सपोज डिमांड आई है 2,000 की, 2,000 लोगों ने ही कहा कि हमें ये चाहिए। उसी तरीके से जो सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व अगर प्राइस हाई होगी, तो प्राइस हाई है तो सप्लाई, सप्लायर की कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि प्राइस ज़्यादा मिल रहा है तो मैं ज़्यादा सप्लाई करूँ, मेरे को प्रॉफिट होगा। अगर प्राइस कम है तो वो कहेगा कि मैं कम सप्लाई करूं, मेरे को कम प्राइस प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से ये दोनों कर्व्स बन गई। तो यहाँ पे ये क्रॉस करती हैं, यहाँ पे ये पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे जितनी क्वांटिटी है उसको आप इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हो, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है ना, आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर समझ में आ रहा है, कोई नहीं आ रहा आप प्लीज़ उसको कमेंट कर दें, सो दैट कि आप
जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें मैं उनको भी डिस्कस करूँगा। तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और जितने प्राइस पे ये पॉइंट आया है, दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये आ गया इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, अब इसको पढ़ें दोबारा से पढ़ें कि मार्केट, कंसीडर द मार्केट ऑफ टू व्हीलर्स। इफ द प्राइस ऑफ स्टील इंक्रीजेज, रॉ मटेरियल इंक्रीज हुआ तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। तो जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी? प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लायर कहेगा मेरा जो प्रोडक्शन में ही कॉस्ट ज़्यादा हो गया, महंगा बेचेगा तो फिर क्या होगा? इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी हो गई, वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी हो गई। ये तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब यहाँ पे फिर से देखें, अगर महंगा कर दिया है, यहाँ पे आया कि उसने कहा कि महंगा कर दो, मेरी तो कॉस्ट ही ज़्यादा पड़ रही है। तो महंगा करने से क्या होता है कि महंगाई पे जहाँ पे जो डिमांड है उस पे क्या आएगा, असर होगा इक्विलिब्रियम प्राइस, वो तो इनक्रीज़ होगा, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज। लोग कहेंगे कि हमें कम खरीदना है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो उसने फिक्स ही कर लिया ना कि जैसे भी मार्केट में मुझे ज़्यादा प्राइस के साथ जाना है तो उस वक्त उसका सामान जो है कम बिकेगा। तो दैट इज़, तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ बार बार इसको समझने की ज़रूरत है। अब ग्राफ से समझने की ज़रूरत है तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और आगे अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अब इसकी बात करें जी, डैश इज़ दी फाइनल वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्रीज बॉर्डर ऑन इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ये हर साल लगा लो कि 2023 में कितना हुआ, 23 एंड 24, ये फिजिकल ईयर जो है इसमें कितना है। फिनिश्ड गुड क्या है? फिनिश्ड गुड है कि जैसे कपास, किसान ने कपास उगाई, कपास से फिर कपड़ा बना, तो वो जो कपड़ा है वो फिनिश्ड गुड है। फिनिश्ड गुड में सारी प्राइजेस जो है, कपास की प्राइस भी जो है, कॉटन की प्राइस जो है, गेहूँ, वो भी सारी कवर में हो जाती है। इसलिए जितनी फिनिश्ड गुड बनी, जितनी भी कंट्री में बनी, उनकी या सर्विसेज हुई, सर्विसेज में डॉक्टर है, टीचर्स हैं, पुलिसमैन है, पॉलिटिशियन है, ये सारे सर्विसेज में हैं, तो उनकी सभी की जो प्राइस लगा लो और उसमें रुपीज़ में निकाल लो तो वो फाइनल वैल्यू एक बनती है। वो क्या होती है तो इसको देखेंगे कि एक ऑप्शन है गवर्नमेंट रेवेन्यू, नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये डेफिनेशन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में आएंगी, ये इम्पॉर्टेंट हैं, इन इम्पॉर्टेंट को समझना ज़रूरी है। अब जैसे गवर्नमेंट रेवेन्यू की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू है क्या? गवर्नमेंट रेवेन्यू फर्स्ट, तो जितने भी गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं ना, इनकम ऑफ गवर्नमेंट थ्रू ऑल सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज हैं उन सारे सोर्सेज से जितनी गवर्नमेंट को इनकम हुई है उसको गवर्नमेंट इनकम या गवर्नमेंट रेवेन्यू कहते हैं। टैक्स लगाए हैं, डायरेक्ट टैक्सेज हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं, या कुछ गिफ्ट्स हैं, कुछ डोनेशन हुई है, कुछ ना कुछ जो भी मिला है, जहाँ से भी पैसा आया वो सारा गवर्नमेंट रेवेन्यू होता है। फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो NNP, ये क्या है, इज़ ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे एक टर्म आई है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, इसको आप NNP लिखो, ये याद रखने हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जैसे कोई मशीन है, कहीं पे मशीन लगी है तो इस साल तो वो न्यू है, एक साल के बाद उसकी वैल्यू, क्योंकि वो कुछ घिस गई है, कुछ चल गई है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो डेप्रिसिएशन हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है प्राइस। जितनी डेप्रिशिएट कम हुई है दैट इज़ डेप्रिसिएशन।
तो आपके जितना भी ग्रॉस नेट प्रोडक्ट आया है, नेशनल प्रोडक्ट सॉरी, जितना भी आया है उसमें जितनी भी आपकी डेप्रिसिएशन उसको निकाल दोगे वो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। तो न्यूमेरिकल टर्म्स में एनएनपी इज टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड विद डेप्रिसिएशन डिसट्रैक्टेड फ्रॉम इट। तो ऊपर देखा ना ये कि जितने भी हमने वैल्यूज जो हैं, सॉरी, जितने भी गुड्स हैं या सर्विसेज हैं प्रोड्यूस हुई हैं उनकी कितनी वैल्यू और कितनी डेप्रिसिएशन हो गई है उसको उसमें माइनस कर दो तो वो आपकी नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। जैसे किसी आदमी की 100 रुपये उसको सारी इनकम मिली है, पर 100 रुपये इनकम में से उसके कुछ डेप्रिसिएशन जो खर्चे कुछ टूट फूट हुई है 25 रुपये, तो उसके हाथ में नेट कितना लगा है 75 रुपीज़। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है तो ये मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज दोज दैट आर बॉट बाय फाइनल यूजर प्रोड्यूस्ड इन, फाइनल यूजर मतलब फाइनल गुड्स की बात हो रही है जो ऊपर बात हो रही है, विद इन ए पीरियड इट काउंट्स ऑल द आउटपुट जनरेटेड विद इन द बॉर्डर ऑफ कंट्री। कंट्री में, एक इंडिया में जितनी भी फाइनल प्रोडक्ट्स जो आए, फाइनल गुड्स आए, उन सब की प्राइस को जोड़ दिया, कोई डेप्रिसिएशन नहीं माइनस की, कुछ नहीं किया, उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट है जीएनपी। जीएनपी ऊपर भी आया था, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन दैट इज इक्वल टू एनएनपी। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है कि जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके, अब इसमें जीएनपी में क्या आता है? जीएनपी, जीडीपी क्या है? जीडीपी तो है कि यहाँ के लोगों ने, इंडिया के लोगों ने जितना पैसा, जितनी वैल्यू के प्रोडक्ट बनाए हैं उन सबको जोड़ दिया, प्लस जो भारत से बाहर भी गए हैं लोग, इंडियन हैं, उन्हों को भी तो जो कुछ कमाया ना वो भी अगर जोड़ दी जाए तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड, ठीक है? तो नेट का मतलब है, आप इसको नेट को इस तरह समझे, इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस यहां से जो इनकम ऑफ फॉरनर्स, कुछ फॉरनर्स से ने यहाँ पे काम किया और अपनी इनकम लेके चले गए, ये सारे का सारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आता है। जैसे आप इस तरह से समझो कि आपके घर में आपको जो टोटल सारी इनकम है घर की है वो 10,000 रुपये या 1 लाख रुपये लगा लेते हैं, 1 लाख रुपये है पर मंथ, 1 लाख रुपये है, और आपका एक भाई भी बाहर कोई गया हुआ है वो भी कमाता है, वो भी 1 लाख रुपया बाहर से कमा लेता है, तो वो दोनों जुड़ गए क्योंकि वो आपके घर का ही है, तो आपकी इनकम होगी 2 लाख रुपये। पर जो कोई आपका वर्कर है, कोई नौकर रखा हुआ है, उसको आप 25,000 रुपये देते हो, तो आपके 2 लाख में से 25,000, तो 1,75,000 रुपये आपकी नेट इनकम हो जाती है, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इस तरह से आप समझो, तो जब आप समझोगे फिर आपको कुछ पॉइंट से समझ में आएंगे। तो अब फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि डैश इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री बॉर्डर इन स्पेसिफाइड टाइम। तो इसका आंसर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे ये समझ में आया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आया, और इसमें कभी फार्मूला पूछ रहा है कोई, किसी तरह से बार बार आ जाता है ये, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट कहा है, पर आपको बाकी पॉइंट्स भी, उन पे भी क्वेश्चन आते हैं, आपको वो भी समझना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि डैश इज ए टाइप ऑफ गुड फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस एज इट्स प्राइजेस।
तो अभी हमने देखा था कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है डिमांड ज़्यादा होती है, तो नॉर्मल गुड तो ऐसी ही थी। पर इनमें से अब गिफन गुड, कैपिटल गुड, क्लब गुड, कंज्यूमर गुड, सारी गुड्स लिख दी हैं इसने, तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर मैं चलो पहले बता देता हूँ, इट इज़ गिफन गुड। गिफन गुड्स ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी प्राइस तब इंक्रीज करने पे उनकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। तो आप कहोगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी प्राइस तब इंक्रीज होती है जब उसका प्राइस इंक्रीज किया जाता है। जैसे आप कहीं पे जाओ, कोई एग्जीबिशन लगी हुई है, कोई पेंटर है, बहुत मशहूर फेमस पेंटर है, तो उसने अपनी पेंटिंग लगाई है एग्जीबिशन में सेल के लिए, और उस पेंटिंग की कीमत है 1 लाख रुपया। अब पेंटिंग की कीमत ही 1 लाख रुपया है, अगर वो उसकी कीमत 1,000 लगा देता तो उसको कोई नहीं परचेज कर। अब 1 लाख हो गई है तो उसकी डिमांड इनक्रीज हो जाएगी, इवन उस पे ऊपर ऑक्शन भी होगी कि जो ज़्यादा पे करेगा वो ले जाएगा। अब आगे देखें कि इसमें देखो कि क्वेश्चन जो गिफन गुड ये हैं क्या। गिफन गुड इज़ ए लो इनकम लो नॉन लग्जरी प्रोडक्ट फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस एज द प्राइस इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो प्राइस गिर गया तो उसकी डिमांड भी कम हो गई, तो वो चीज़ आएगी। कैपिटल गुड, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गुड क्या है? एक फिजिकल एसेट है, इज ए फिजिकल एसेट दैट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोडक्ट एंड डिलीवरी ऑफ ए सर्विस। जैसे स्टील से आप दूसरी कोई चीज़ बनाते हो, मशीन बनाते हो, तो वो फिजिकल एसेट जिनसे कैपिटल गुड, जैसे मशीन है, मशीन से जो प्रोडक्शन में कुछ और प्रोडक्ट बनाने में काम आता है, तो इसमें मशीनरी, व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेस सारे आ गए। तो स्टील भी चाहिए आपको, व्हीकल भी चाहिए, मशीनरी, तो वो सारे के सारे कैपिटल गुड में काउंट होते हैं। क्लब गुड, तो जैसे कुछ आल्सो समटाइम्स रेफर्ड एज स्कैर्स और आर्टिफिशियल स्केयर्स गुड, ऐसी गुड्स जो कम हैं, दैट आर नॉन राइवलरस बट एक्सक्लूडेबल, दे इंक्लूड थिंग्स लाइक सैटेलाइट टीवी, प्राइवेट पार्क, मूवी थिएटर्स लाइक। तो ये पब्लिक गुड्स की तरह ही है। आप जैसे इसको समझने के लिए, पब्लिक गुड में आप एक पार्क ले लो, पार्क में कोई भी जा सकता है, पार्क में तो नॉन राइवलरस है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई एक आदमी गया, दो गए, पर अप टू एक पॉइंट तक। एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि इसमें कंजेशन ही कंजस्टेड हो गया, कंजस्टेड होने पे इसमें फिर आगे एक आदमी जाएगा तो वो दूसरे आदमी को इफेक्ट करेगा, राइवलरस हो जाएगा। तो वो इस तरह की जो ऑब्जेक्ट हैं उनको हम क्लब गुड कहते हैं, जब तक एक पॉइंट तक भी जितने मर्जी आदमी जा रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, बीच है, बीच पे जितने लोग घूम सकते हैं घूम रहे हैं, एक दूसरे से कोई राइवलरी नहीं है, ज़्यादा लोग आगे 2,000 भी घूम रहे हैं, 500 भी घूम सकते हैं, तो उसकी रेट लिस्ट पे कोई फर्क नहीं आता है। पर एक पॉइंट तक, एक पॉइंट के बाद वो कंजेशन आ जाएगा, फिर उस पे इफेक्ट होता है। कंज्यूमर गुड है कोई भी कंजम्पशन के लिए परचेज की जाने वाली गुड, जो भी खरीदी जाए वो कंज्यूमर गुड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं, अब इसमें आया आईपीओ, इन इकोनॉमिक्स आईपीओ स्टैंड्स फॉर, आईपीओ क्या है? तो ये सीधा सीधा ही है, इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, बाकी सारे कंफ्यूजिंग कंफ्यूजन के लिए किए गए हैं। ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है, रेफर्स टू प्रोसेस वेयर प्राइवेट कंपनीज, कोई भी प्राइवेट कंपनी लगा लो, कोई भी ए बी सी डी नाम है, ए बी सी डी, वो क्या करती है, सेल देयर शेयर्स, अपने शेयर्स को मार्केट में बेच देती है टू दी पब्लिक। क्यों बेचती है? टू रेज इक्विटी कैपिटल फ्रॉम पब्लिक इन्वेस्टर, सो दैट पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करे, मतलब पब्लिक इन्वेस्टर्स उसको पैसा दें और उसकी जो है इक्विटी वैल्यू जो है बढ़े, उसके पास पैसा बढ़े, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
सिक्स्थ क्वेश्चन, अब इसमें देखें छोटा सा क्वेश्चन पॉइंट है, फॉर इकोनॉमिस्ट डैश रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल आर बोथ विलिंग एंड एबल टू बाय। तो एक टर्म है जिसको हम कहते हैं कि जिसको कोई प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड है कि लोग चाहते हैं खरीदना, विलिंग भी हैं मतलब इच्छा भी है उनकी और उनकी जेब में पैसे भी हैं, तो ऐसी टर्म क्या होगी? तो सीधा डिमांड, उसको कहते हैं डिमांड। डिमांड में ऐसा नहीं है कि एक आदमी है उसके पास पैसा तो बहुत है, मतलब खरीदने की क्षमता, पर वो विलिंग नहीं है प्रोडक्ट खरीदने में, तो उसको डिमांड में काउंट नहीं किया जाता। या फिर कोई विलिंग तो है पर वो कहता मेरे पास पैसे नहीं है, उसको भी डिमांड में काउंट नहीं किया जाता। तो फर्स्ट डिमांड है, तो ये तो आसान ही था। पर अब इसमें दूसरे पॉइंट भी देखें, प्राइस, सप्लाई और इनकम। अब इनको देखें, डिमांड तो वही आ गया, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल आर बोथ विलिंग टू एबल टू बाय। प्राइस क्या है? प्राइस है कि दैट ए बायर गिव्स टू सेलर इन एक्सचेंज फॉर ए गुड। जब एक बायर सेलर से कोई चीज़ परचेज करता है तो उसके बदले में जो अमाउंट देता है दैट इज प्राइस। सप्लाई, सप्लाई क्या है? तो बायर जो है, बायर कुछ डिमांड करता, कोई चीज़ चाहता है, पर जो सप्लायर है, बनाने वाला, प्रोड्यूसर है, वो कितना उसको सप्लाई करना चाहता है, विलिंग है और कितने कैपेबल है उस पर। मान लो बायर कहता है कि मुझे 100 यूनिट्स चाहिए, तो सेलर के पास हो सकता 1000 पड़ी हैं पर वो उसको देना ही नहीं चाहता, वो कहता मैं सिर्फ 50 दूंगा, तो जितनी देने की विलिंगनेस है उसकी। या फिर वो जितने के कैपेबल, वो कहता है कि मेरे पास तो पड़ी ही 50 हैं और मैं कैपेबल ही इतना हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, तो उसको सप्लाई कहेंगे, जिसको विलिंग और कैपेबल में देखा जाएगा। सप्लाई, इनकम, अब इनकम की बात करते हैं। इनकम एक यूनिट ऑफ वैल्यू है जिसको हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज को मेजर करने में लगाते हैं कि कितने प्रोडक्शन हुई है, कितनी सर्विस से की क्या वैल्यू पड़ी है, वो सारे के सारे काउंट करने के लिए करते हैं, तो वो इनकम बन जाती है। ओके जी, आगे आप बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कॉल्ड फिस्कल डेफिशिट। अब ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में कोई ऐसा नहीं है कि बड़े डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन हैं, पर उनके लिए जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी हो या इकोनॉमिक्स टेंथ के बाद पढ़ी हो या ग्रेजुएशन में पढ़ी हो, उनके लिए तो ये ऐसा लगता है बहुत आसान है, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए कई बार ये नई टर्म लगती हैं। आप थोड़ी टर्म्स को पढ़ो पर उनको अच्छे से समझो, उसको अच्छे से समझो, इस ये तैयारी का तरीका है। अब इसमें देखो, फिजिकल डेफिशिएंट है, इसमें फार्मूला लिखा है, पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स फ्रॉम अदर देन बोरिंग्स, देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो अब पहले इन छोटी छोटी टर्म्स को हम समझें क्या है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये जो टर्म है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये किस चीज़ को रेफर करती है? ये एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है ना। तो जब कोई दैट ए बिजनेस इनकर्स ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस, कोई कार बना रहा है, बिजनेस प्रोडक्शन हाउस है, कार बना रहा है, तो उस कार बनाने में जितना एक्सपेंडिचर, जितना खर्चा होगा, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेफर टू दोज रिसिप्ट्स दैट नीदर रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नॉर क्रिएट द लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो जो ना तो ऑर्गेनाइजेशन का एसेट रिड्यूस करती हैं, ना ही वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट करती हैं, किसी की देन लायबिलिटी होता है, देनदारी क्रिएट करती हैं,
वो जो है दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आप इस तरह कहो, ऐसे समझो कि जितने की चीज थी उतना पैसा आपको मिल गया, आपने 100 रुपये खर्च किए थे इसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर 100 रुपये आपको मिल गया, ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई ना आपका कोई एसेट क्रिएट हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये वो फंड्स हैं, फंड्स यूज्ड बाय कंपनी टू अक्वायर, अपग्रेड, मेंटेन फिजिकल एसेट्स सच एज प्रॉपर्टी, प्लांट, बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट। तो कंपनी जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन पे ही थोड़ा खर्चा करती है, वो अपनी प्रॉपर्टी भी बनाती है, थोड़ा बिल्डिंग पे खर्चा होता है, टेक्नोलॉजी पे, नए इक्विपमेंट लेके आती है, उन सब पे जो खर्चा है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल को इंक्रीज करता है। कैपिटल रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स दैट क्रिएट लाइबिलिटी, रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स, दे आर आल्सो रेफर टू इनकमिंग कैश फ्लोज। कैपिटल रिसिप्ट्स वो हैं जो लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, देनदारी या फाइनेंशियल एसेट्स को रिड्यूस करते हैं, उनको कैपिटल रिसिप्ट्स कहा जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर जो एग्रीगेट ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड अंडर पॉजिटिव यूजर्स, सब्सिडीज पेएबल इन द करंट अकाउंट एज वेल एज इन ट्रांजैक्शन। तो जितना भी आप इसको सिंपल ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इक्वेशन, लेस डिस्पोजल नॉन फाइनेंशियल नॉन प्रोड्यूस्ड एसेट्स प्लस कैपिटल ट्रांसफर इन कैपिटल अकाउंट, आप सीधा अगर ये लग रहा है कि टेक्निकल टर्म्स है, तो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब टोटल खर्चा कितना हुआ। एक फैक्ट्री है, उसमें रॉ मटेरियल पे भी खर्चा हुआ, मशीन पे लगाने पे खर्चा हुआ, लेबर को देने में खर्चा हुआ, फिर एक अकाउंटेंट रखा हुआ था उसका खर्चा है, बाकी और ऑफिस स्टाफ है उनके खर्चे हैं, सारे मिलाओगे तब वो को टोटल एक्सपेंडिचर आते हैं। टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरिंग्स, अगर जो कोई कुछ आपने बेचा है या इन्वेस्टमेंट हुई है उनको सारा आप रिसिप्ट्स में ले लेते हो, पर ठीक है, जो आपने बेचा है उसको, अदर देन बोरो, जो बोरो किया है उसको नहीं, अदर देन बोरिंग दैट इज टोटल रिसिप्ट्स। अब फिजिकल डेफिशिट जो है दैट इज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग इन ए ईयर, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर, जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर हुआ माइनस कितना रिसीव किया है दैट इज टोटल रिसिप्ट, इसमें आपने बोरिंग नहीं लेनी कि जो बोरो किया था वो तो देनदारी है, जो बोरो किया था वो तो वापस करना है। तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, दिस कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट दैट गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो इन ऑर्डर टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। तो ये है, अब कैसे, अब इसको और सिंपल में समझो, सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर आपको टेक्निकली में थोड़ा, गवर्नमेंट चाहती है या कोई पर्सन पे भी लगा सकते हो, किसी कंपनी पे भी लगा सकते हो, कि गवर्नमेंट चाहती है कि मैं 10,000 करोड़ रुपए का कुछ जो इन्वेस्टमेंट करनी है, बजट बनाया है, पर उसके पास है कितना, 8,000, तो 2,000 डेफिशिएट हो गया, 2,000 कमी, डेफिशिएट का मतलब कम, ठीक है। तो वो कहता है कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो तो 10,000 का है और इनकम मेरी टोटल जो है वो 2,000 की है, तो मेरे को 8,000 की है, जो 2,000 है ये मेरे को बारो करना पड़ेगा, कहीं से लेना पड़ेगा, तो इस तरह से ये आता है। तो अब ऊपर देखें, इसमें अब टर्म्स को समझने की बातें हैं, आप टर्म्स को समझोगे तो ये क्वेश्चन तो दोबारा से नहीं आने वाले, पर इन क्वेश्चंस को फिर आप कर पाओगे। तो इसमें अब इसको कहेंगे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल, सॉरी, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स अदर देन बोरिंग्स। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
विच वन इज द ट्रू। अच्छा देखो फिर से वही आया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे फिर से क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैंने कहा था ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसका अगर आप देखोगे क्या है आंसर, अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, तो अभी किया है मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी पे फिर से एक क्वेश्चन, जीडीपी दैट टेक्स इनटू अकाउंट द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जहाँ पे भी आजकल ग्रीन इकोनॉमी की बात आती है तो ये ग्रीन जीडीपी है, जो एनवायरमेंट पोल्यूशन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से जो जीडीपी कलेक्ट देखी जाती है उसको ग्रीन जीडीपी कहते हैं। लास्ट आते हैं जी, एनडीपी एट एफसी एंड जीडीपी एट, ये तो अपन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये तो हमने कर ही लिया है। तो अगर आप सीधा देखते तो एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस जितनी डेप्रिसिएशन हुई है, तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे आगे तो ये ऊपर करके है ना, तो वही वैसे ही क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं, इनको ध्यान से समझो, एक बार समझोगे फिर आप इसको भूलोगे नहीं और आराम से कर पाओगे। पर यहाँ पे एक एफसी वर्ड यूज हुआ, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। उस फैक्टर कॉस्ट को हम देखें तो ये है द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज एंड फर्म्स इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट है किसी इंडस्ट्री में किसी फर्म ने कुछ गुड्स या सर्विसेज के जब बनाई तो उन पे एक्चुअली कितना खर्चा आया। तो फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड ऑल कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस ए गिवन प्रोडक्ट इन इकोनॉमी। तो जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर हैं उन सभी की कॉस्ट, मशीन पे कितना आया, बिजली का कितना खर्चा आया, पावर है, लेबर कितनी दी है और जो ओवरहेड खर्चे हैं वो सारे डाल के जितना आया, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें लैंड लेबर कैपिटल रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन ये। तो जीडीपी जो है वो मार्केट प्राइस पे भी, जहाँ पे ना मार्केट प्राइस पे भी देखी जाती है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, और फैक्टर कॉस्ट पे भी देखी जाती है। फार्मूला सेम है, आप एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, आप बाकी वही लगेगा। तो स्टूडेंट्स आज यहाँ तक है, तो फिर से जिन स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है वहाँ पे हाय जीपी सर लिख दें तो उनको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरा, आप हमारे YouTube लिंक पे जाएं, वहाँ पे हर रोज़ 5 से 10 क्वेश्चन जो हैं जनरल इसके जीके के जनरल नॉलेज के जनरल अवेयरनेस के डाले जाते हैं, आप उनको अटेम्प्ट करें, वो SSC से रिलेटेड ही क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन है, और कोई आपको कमेंट कुछ चीज़ नहीं समझ लगा आप उसको कमेंट करें सो दैट हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको कैटर कर सकें। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, आपकी जो प्रिपरेशन है SSC CHSL के लिए बेस्ट ऑफ लक, होप सो आप बढ़िया करेंगे और आप उसको क्लियर कर पाएंगे, और हम जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं मे बी होप सो कि आपको ये हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। थैंक यू स्टूडेंट्स।